हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं प्याज भाजी। तो आप देख सकते हो इसे काट लेना है। तो आप देख सकते हो प्याज का पत्ता जो कट चुका है, आप देख सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे दाल और दो जो टमाटर। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। प्याज की पत्तों का टेस्टी और सब्जी बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम पत्तों को काट चुके हैं, आप देख सकते हो ऐसे काट लेना है। और यहाँ पे हमने लिया है अरहर दाल और दो टमाटर। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं, बने रहे हैं वीडियो में लास्ट तक। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें दाल को डाल देते हैं और इसको पानी डाल देते हैं पकने के लिए। और इसको ज़्यादा गला के नहीं पकाना है, थोड़ा सा कच्चा टाइप का पकाना है। तो इसको पकने देते हैं, चलिए फ्रेंड 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको मैं। देखिए फ्रेंड, हमारी दाल पक चुकी है। अब इसमें हम पत्तों को डाल देंगे प्याज के। तो ये देखिए, इसको धो लिए हैं, अब इसको डाल देंगे। तो इसमें डाल देंगे तो इसको पत्तों को डाल चुके हैं। अब इसको चम्मच में चला लेंगे अच्छे से, जिससे ये दोनों दाल और भाजी दोनों मिक्स हो जाएं। ये देखिए, दोनों दाल और भाजी दोनों मिक्स हो चुके हैं। तो ये 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। अब देखते रहिए मेरे वीडियो में आगे तक। हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे फ्रेंड्स, दो टमाटर काट लिए हैं, इसको डाल लेंगे भाजी में और चला लेंगे इसको। तो ये देखिए, टमाटर को डाल चुके हैं भाजी में। और अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो देख सकते हैं इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक डाल के इसको चला लेंगे अच्छे से। अब चाहे तो इसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं कलर के लिए। तो हम आराम से 15 मिनट तक पकने देते हैं, फिर ये बन के तैयार हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी भाजी जो है बन के तैयार हो चुकी है। इसको इतने ही पानी रहने देना है। अब इसको हम छौंका लगाने के लिए नीचे उतार लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उसको छौंका लगाने के लिए हम दूसरे बर्तन में निकाल चुके हैं। और कढ़ाई में तेल को डाल देंगे, उसी सेम कढ़ाई में। और तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें छौंका लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, तेल हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें डालेंगे हम सूखी मिर्ची को, 3 से 4 मिर्ची हम डाल सकते हैं। हम यहाँ पे 3 मिर्ची डाल चुके हैं, इसको थोड़ा लाल होने देंगे। छौके में आप लहसुन भी डाल सकते हैं, हमने नहीं डाले हैं। देखिए हमारी मिर्ची जो अच्छे से लाल हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे भाजी को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी भाजी जो हम डाल चुके हैं अब ये बन के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी भाजी जो है बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे। तो गैस को हम बंद कर चुके हैं, अब इसको हम सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। इसको रोटी चावल के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम सर्व करने के लिए निकाल चुके हैं। आप देख सकते हो कितना टेस्टी और दिख रहा है। आप भी एक बार ज़रूर बनाना और ट्राई करना। लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।